स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पे। ताइवान से 2 चीनी नागरिक डिपोर्ट, हांगकांग से जुड़े कार्यक्रम में डाल रहे थे बाधा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन को ईडी ने किया तलब, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा है मामला। इसराइल पर मिसाइल अटैक के बाद रूस ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा ईरान जाने से बचें। दिल्ली डॉक्टर हत्याकांड, हमलावरों ने 2 दिन पहले की थी अस्पताल की रेकी। दिल्ली में 56,000 करोड़ के ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड रह चुका है कांग्रेस आरटीआई सेल का चेयरमैन। अयोध्या गैंगरेप के आरोपी और सपा नेता मोहित खान पर एक और केस। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने भारत से अपने 5 राजनयिकों को वापस बुलाया। महाराष्ट्र वाशिम जिले में 2 गुटों के बीच पथराव, एक की मौत। यूपी के बरेली की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 3 की मौत, कई घायल। हरियाणा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका, नीलो खेड़ी से उम्मीदवार कांग्रेस में शामिल। फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।